हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम कबीरदास जी के जीवन परिचय की स्टडी करेंगे। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आपको कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप कोई भी कवि परिचय लिखें, आपको चार पॉइंट पर लिखना होता है। सबसे पहले आपकी रचनाएँ होती हैं, उसके बाद भाव पक्ष, उसके बाद कला पक्ष और एंड में आपका साहित्य में स्थान। देखिए, रचनाएं और साहित्य में स्थान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। अगर आप ये एग्जैक्ट लिख कर आते हैं तो आप ये मानिए कि आपने अपना 80% काम कर लिया है। तो रचनाएं आपको याद करनी है। रचनाएं याद करने की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, आपको बस रचनाएं याद करनी होगी। साहित्य में स्थान, कवियों को कैसे लिखते हैं, दो तीन पॉइंट जो सब में कॉमन आप लिख सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो इनका जन्म और मृत्यु कहाँ हुई वो देख लेते हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं होता है। अगर आपको एग्जैक्ट पता है कि कब हुई तो आप लिखें, अगर नहीं पता है एग्जैक्ट तो नहीं लिखें। ये पूछा भी नहीं जाता है। रचना है, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान, ये चार पॉइंट पर आपको कोई भी कवि परिचय लिखने को आता है। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट पता है, अच्छे से पता है तो आप लिख दें। इससे आपका जो एक्सप्रेशन होगा वो अच्छा जाएगा एग्जामिनर के ऊपर, उनको लगेगा कि नहीं आपने कुछ पढ़ा है। तो इनका जन्म काशी में 1398 ईस्वी में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीरदास जी पाखंड और अंधविश्वास के घोर विरोधी थे। आपकी मृत्यु 120 वर्ष की आयु के बाद 1518 ईस्वी में हुई। इनका जन्म 1398 में हुआ और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। अब हम देख लेते हैं रचनाएं, जो कि किसी भी कवि परिचय या लेखक परिचय का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि रचनाएं आप अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकते, जो एग्जैक्ट है वही आपको लिखनी होगी। साकी, सबद, रमेनी, ये तीन रचनाएं, इनको याद करना है, लेना है आपको, साकी, सबद और रमेनी। उसके बाद साकी में कबीरदास जी ने शिक्षा और सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण किया है। अगर आप ये लिख के नहीं आएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। सबद में, इसमें कबीरदास जी ने भक्ति भावना, समाज सुधार व राष्ट्रवादी भावनाओं का वर्णन किया है। रमेनी में, इसमें कबीरदास जी ने दार्शनिक विचार व्यक्त किए हैं। तो इनकी तीन रचनाएं कौन कौन सी हैं, साखी, सबद, रमेनी। साखी में कबीरदास जी ने शिक्षा और सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण किया है। सबद में, इसमें कबीरदास जी ने भक्ति भावना, समाज सुधार और राष्ट्रवादी भावनाओं का वर्णन किया है। रमेनी में कबीरदास जी ने दार्शनिक विचार व्यक्त किए हैं। ये इनकी रचनाएं हैं, साखी, सबद, रमेनी। उसके बाद है भाव पक्ष। तो भाव पक्ष का पहला पॉइंट है निर्गुण ब्रह्म की उपासना। देखिए, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने लिखने की कोशिश की है, तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इससे इजी लैंग्वेज में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कोई भी कवि परिचय। कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। कबीर के राम निर्गुण निराकार परम ब्रह्म हैं। निर्गुण ब्रह्म की इन्होंने उपासना की है। कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। कबीर के राम निर्गुण निराकार परम ब्रह्म हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है प्रेम भावना। कबीरदास जी ने ज्ञान को महत्व दिया है। उनकी कविता में स्थान स्थान पर प्रेम और भक्ति का बेजोड़ मेल देखने को मिलता है। उनका कहना है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यानी कि जो प्रेम भावना है उस पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। कबीरदास जी ने ज्ञान को महत्व दिया है। उनकी कविता में स्थान स्थान पर प्रेम और भक्ति का बेजोड़ मेल देखने को मिलता है। उनका कहना है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यानी कि प्रेम भावनाओं पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्र भावना। परमात्मा से विविध संबंध जोड़कर अंत में ब्रह्म में लीन हो जाने के भाव अपनी कविता में कबीरदास ने व्यक्त किए हैं। रहस्य, जो रहस्य परमात्मा का, उसको व्यक्त करने की कोशिश की है। जो परमात्मा के विभिन्न रूप हैं उनको बताने की उन्होंने कोशिश की है। परमात्मा से विविध संबंध जोड़कर अंत में ब्रह्म में लीन हो जाने के भाव अपनी कविता में कबीरदास जी ने व्यक्त किए हैं। देखिए, बहुत ईजी लैंग्वेज में, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना एक एक पॉइंट का। उसके बाद है समाज सुधार की भावना। आपने समाज में फैली कुरूतियों पर तीखे व्यंग किए। उस समय पर जो समाज में कुरूतियां व्याप्त थीं उन पर उन्होंने तीखे व्यंग किए। आपने आदर्श जीवन के उपदेश दिए। एक आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए मनुष्य का, उसके बारे में आपने बताया। सामाजिक बुराइयों पर तीखे प्रहार किए। उस टाइम पर जो बहुत ज़्यादा कुरूतियाँ चलती थीं उन सब पर इन्होंने तीखे प्रहार किए और उनसे लड़ा और लोगों को उनके प्रति सजग किया। यहाँ तक हमारा भाव पक्ष कम्प्लीट होता है। अब हम कला पक्ष देख लेते हैं। कला पक्ष का पहला पॉइंट है भाषा। कबीरदास जी की भाषा अपरिष्कृत है। स्थानीय बोलचाल के शब्दों की प्रधानता देखने को मिलती है। इन्होंने पंजाबी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का प्रयोग किया है। देखिए, भाषा में ज़्यादातर आपको यही लिखना होगा, कोई भी कवि परिचय आप लिख दें, इनकी भाषा
काफ़ी सरल है, अपरिष्कृत है। स्थानीय बोलचाल के शब्दों की प्रधानता देखने को मिलती है। पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बुंदेलखंडी, इन भाषा का प्रयोग किया है। अगर आप कोई भी लिख रहे हैं तो ये आप लिख सकते हैं, कोई भी कवि परिचय आप लिखें। बस एक आध पॉइंट आपको जो उनका है वही आपको देख लेना, जैसे कि कबीरदास जी की भाषा अपरिष्कृत है, आप ये लिख देंगे, उसके बाद नीचे आप कुछ भी लिखेंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप रचनाएं और साहित्य में इतना एग्जैक्ट लिखेंगे तो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, विभिन्न भाषाओं के प्रयोग के कारण आपकी भाषा को पंचमेल अथवा सद्दुकड़ी भी कहा जाता है। देखिए, इन्होंने बहुत सारी भाषाओं का यूज़ किया है, जैसे कि पंजाबी, राजस्थानी, उर्दू और फारसी। इस प्रकार ये खिचड़ी टाइप की इनकी भाषा बन गई है, इसलिए इसको सद्दुकड़ी या पंचमेल भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा शैली। तो आपने सहज, सरल, सरस शैलियों का प्रयोग किया है, विरोधाभास, व्यंगात्मक शैली प्रमुख हैं। देखिए, आपकी भाषा अपरिष्कृत थी और आपने सहज, सरल, सरस शैलियों का प्रयोग किया है, विरोधाभास, व्यंगात्मक शैली इनमें प्रमुख हैं। उसके बाद अलंकार, उपमा, रूपक, अन्योक्ति, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। उपमा, रूपक, अन्योक्ति, उत्प्रेक्षा जो भी अलंकार हैं उनके लिए हम जो हिंदी व्याकरण की सीरीज लाएंगे उनमें आपको ये सब चीज़ें एक एक करके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। बस आपको अभी ये याद रखना है कि उपमा, रूपक, अन्योक्ति, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का उन्होंने प्रयोग किया है। और उसी वीडियो में छंद भी हम कंप्लीट कवर करेंगे, तो छंद भी आपको अभी देख लेना है कि कबीर की साखियों में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, शबद, रमेनी छंदों का प्रयोग हुआ है। देखिए, जब हम ग्रामर पढ़ेंगे हिंदी वाली, उसमें ये सब चीज़ कवर हो जाएंगी, अलंकार और छंद क्या होते हैं। आपको अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अभी बस आपको इतना याद करना है कि कबीर की साखियों में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, शबद, रमेनी छंदों का भी प्रयोग हुआ है। उसके बाद हम साहित्य में स्थान देख लेते हैं। देखिए, मैंने आपसे बोला था कि आप कोई भी कवि का साहित्य में स्थान लिख रहे हैं, आपको बस दो तीन पॉइंट सब में कॉमन लिख देने, जैसे कि आपका हिंदी साहित्य में स्थान सर्वोपरि है, आप हिंदी पद्य साहित्य के समाज सुधारक कवि हैं। अगर आप कबीरदास जी का लिख रहे हैं, अगर आप सूरदास जी का लिख रहे हैं तो सूरदास जी का आपको पता है कि आप कृष्ण भक्त थे। तुलसीदास जी का अगर आप लिखें तो तुलसीदास जी का पता है आपको राम भक्त थे। तो एक पॉइंट जो भक्त थे उनके वो बढ़ जाएंगे कि आप सूरदास जी का लिख रहे हैं तो आप कृष्ण भक्ति के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उसके बाद आपका हिंदी पद्य साहित्य में स्थान सर्वोपरि रहेगा, आप हिंदी पद्य साहित्य के दैदीप्यमान सूर हैं। ऐसा करके आप बड़ा चढ़ाकर उनका लिख सकते हैं, तो साहित्य में स्थान आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। आप समाज सुधारक कवि हैं, कबीरदास जी निर्गुण काव्यधारा के ज्ञान मार्ग के कवि हैं, इन्होंने एक आदर्श समाज की परिकल्पना की है, आपकी रचनाओं से एक आदर्श समाज संभव है। उसके बाद आपका हिंदी पद्य साहित्य में स्थान अग्रणी है, आप हिंदी पद्य साहित्य के आधार स्तंभ हैं। देखिए, ये कुछ बड़ा चढ़ाकर पॉइंट आपको लिख देना है, साहित्य में स्थान देख लेना है। आप समाज सुधारक कवि हैं, कबीरदास जी निर्गुण काव्यधारा के ज्ञान मार्ग के कवि हैं, इन्होंने एक आदर्श समाज की परिकल्पना की है, आपकी रचनाओं से एक आदर्श समाज संभव है। आपका हिंदी पद्य साहित्य में स्थान अग्रणी है, आप हिंदी पद्य साहित्य के आधार स्तंभ हैं। आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करनी है, एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।